नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हैं दीपावली आने वाली है और दीपावली के महत्व को भी आप लोग जानते हैं। लेकिन हम कुछ त्रुटियां करते हैं दीपावली पूजा में, यानी कि जब माँ लक्ष्मी की पूजा होती है तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार से हमें पूजा करनी चाहिए और उसमें किस किस सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, आइए आज हम आपको बताते हैं। पूजन सामग्री। पूजन सामग्री में दोस्तों सबसे पहले पूजा की थाली, जिसमें हल्दी, चावल, चावल आप लोग ध्यान रखें कि वो बिना टूटे हुए हों, यानी कि चावलों के टुकड़े जो हैं वो चावलों में ना हों, कोशिश कीजिए चावल के दाने साबुत हों। धूप, चांदी का सिक्का या इसके स्थान पर आप सामान्य सिक्का भी ले सकते हैं। किताब या बही खाता, क्योंकि किताबों को ज्ञान का स्रोत माना जाता है। लक्ष्मी व गणेश जी की मूर्ति या तस्वीरें। कलश मिट्टी का हो तो बहुत अच्छी बात है, या फिर मेटल का भी चल जाएगा। कुछ कॉटन यानी कि रुई, साफ रुई आप ले सकते हैं जो कि दिए की बाती बनाने में काम आएगी। कुछ गेंदे के फूल या अन्य कोई फूल, 5 आम के पत्ते, एक मेज पर बिछाने के लिए लाल कपड़ा, सामान्य जल, गंगा जल, दीपक जलाने के लिए माचिस, कुछ फूलों की पत्तियाँ। आप फूलों की पत्तियों के लिए फूल को तोड़कर उसकी पत्तियां अलग अलग कर लें। एक छोटा साफ रुमाल, लक्ष्मी स्नान के लिए खाली थाली, जल, एक फूल माला और जो भी खाद्य वस्तुएं आप प्रयोग करें वो। आइए अब देखते हैं कि माता लक्ष्मी की पूजा कैसे की जाती है। पूजा स्थल की तैयारी। माता लक्ष्मी पूजन के लिए जमीन से थोड़े ऊंचे स्थान पर, यानी कि मेज आदि पर, एक साफ सुंदर लाल कपड़ा बिछा दीजिए और इसके बीच में एक मुट्ठी अनाज रख लीजिए। इसके बाद नंबर आता कलश स्थापना का। एक मिट्टी का कलश, अगर मिट्टी का संभव नहीं हो तो मेटल का भी चल जाएगा। एक कलश लीजिए, उसको लगभग 80% यानी कि 80% तक जल से भर लें तथा उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए। एक ताजा फूल गेंदे का या कोई और भी फूल रख सकते हैं। एक सुपारी और 5 आम के पत्ते लीजिए। एक चांदी का सिक्का या कोई अन्य सिक्का पूजा स्थल पर रख लीजिए। कलश पर 5 पत्तों को गोलाकार शेप में सजा लीजिए, यानी कि कलश की गर्दन के चारों तरफ 5 पत्तों को रख लीजिए और इसके ऊपर छोटी कटोरी या बाउल आप कह सकते हैं रख लीजिए, जो कलश के अंदर ना जाए, और उसमें मुट्ठी भर चावल भी डाल दीजिए। इसके बाद नंबर आता माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापना का। कलश के लेफ्ट हैंड को यानी कि उल्टे हाथ को माता लक्ष्मी के लिए हल्दी से कमल का फूल बना लीजिए और माता लक्ष्मी की मूर्ति को वहां पर स्थापित कर दीजिए। सामने जो भी सिक्का आपके पास है, गोल्ड का, सिल्वर का या सामान्य सिक्का, आप रख दीजिए। इसके बाद नंबर आता गणेश जी की स्थापना का। हमारे धर्म में गणेश जी की पूजा का बहुत महत्व होता है। किसी भी पूजा में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है। इसके लिए कलश के राइट साइड में यानी कि सीधे हाथ को गणेश जी की मूर्ति को स्थापित कर दीजिए और थोड़े चावल उनके सामने रख दीजिए। ध्यान रहे चावल के दाने टूटे हुए ना हों, क्योंकि पूजा में टूटे हुए चावलों के टुकड़े नहीं रखने चाहिए। इसके बाद आता पुस्तक यानी कि ज्ञान को स्थापित करना। अब माता लक्ष्मी के पास में अपने व्यापार से संबंधित कोई पुस्तक या अपने बही खाते, यदि इनमें से कोई भी चीज आपके पास नहीं है तो कोई साफ नोटबुक या डायरी भी रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे डायरी का जिल्द या किसी भी इस तरह की पुस्तक का जिल्द चमड़े का ना हो, क्योंकि पूजा में कभी भी चमड़े की वस्तुओं का विधान नहीं है। इससे आगे आता तिलक। अब पूजा की सभी वस्तुओं तथा लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियों का तिलक कीजिए। ध्यान रहे तिलक सदैव रिंग फिंगर से होता है, यानी कि जिस उंगली में अंगूठी पहनी जाती है, छोटी उंगली के बिल्कुल पास वाली। इसके बाद नंबर आता दीप प्रज्वलन का। एक छोटा रुई का टुकड़ा लीजिए, एक बाती बना लीजिए, किसी कटोरी में रख लीजिए। इसमें आप शुद्ध देसी घी का प्रयोग करें, यदि संभव हो तो गाय का घी आप लें। दीप को प्रज्वलित कीजिए और साथ में धूप लगाइए। लेकिन ध्यान रहे अगरबत्ती न लगाएं, क्योंकि ज्यादातर अगरबत्तियों में बांस का प्रयोग होता है और हमारे धर्म में बांस को जलाना अशुभ माना जाता है, तो अगरबत्ती का प्रयोग करने से बचें, इसकी बजाय धूप का प्रयोग आप करें। पूजा का प्रारंभ। अब आइए पूजा प्रारंभ करते हैं। हाथ में कुछ फूल पत्तियां और चावल के दाने लें। हाथ जोड़कर शांत मन से सबसे पहले भगवान गणेश और फिर लक्ष्मी जी का ध्यान करें। आप माता लक्ष्मी का मंत्र या फिर ओम महालक्ष्मी नमः का जाप कर सकते हैं तथा इसके अलावा जो भी आपकी पूजा विधि हो वो कीजिए। इसके बाद नंबर आता माता लक्ष्मी को स्नान का। अब माता लक्ष्मी की मूर्ति को एक खाली थाली में रखें, पंचामृत से स्नान करवाइए। यदि पंचामृत नहीं है तो साफ पानी में
थोड़ा गंगा जल डालकर उसे स्नान करवा दीजिए और फिर किसी साफ कपड़े से पोंछ कर यथास्थान रख दीजिए। अब माता लक्ष्मी को सभी खाद्य वस्तुएं थोड़ी थोड़ी मात्रा में श्रद्धा पूर्वक अर्पित कीजिए। आरती। पूजा के अंत में आरती का विधान है, तो माता लक्ष्मी की आरती कीजिए और आरती के बाद माता लक्ष्मी से घर में आगमन की प्रार्थना कीजिए और पूजा पाठ में कोई त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा याचना कीजिए। माता लक्ष्मी आपकी पूजा को स्वीकार करें, आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करें और आपको उसका उचित फल प्रदान करें। धन्यवाद।